यहाँ पर हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो ज़्यादा आपको ध्यान सुनने में देखना है, सुनने में देना है, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन याद रहेंगे और उनके जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई 15 सितंबर 2022 को कौन सा शहर ऐसा है जिसमें स्मार्ट विलेज पंचायत और एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज, और तीसरा है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, स्मार्ट विलेज पंचायत, एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज और लिविंग नो वन बिहाइंड, इस पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो वो कौन सा शहर है? तो वो शहर का नाम है लखनऊ। लखनऊ में इस तरीके का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है। और सम्मेलन की बात करें, उसमें क्या क्या बात की गई है, उसके अंदर बात की गई है कि स्मार्ट विलेज पंचायत के ऊपर बात की गई है, एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज के बारे में बात की गई है, लिविंग नो वन बिहाइंड के बारे में 2 दिन तक बात की गई है। इसकी जो साझेदारी संस्था थी वो GIZ, इसकी साझेदारी संस्था थी, यानी इसके साथ में काम किया था GIZ ने, और GIZ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये उत्तर प्रदेश का है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, यूपी उत्तर प्रदेश का। तो GIT के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया गया है। ई लर्निंग मॉड्यूल है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर प्रशिक्षण मॉड्यूल भी यहाँ पर जारी किया जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं श्री कपिल मौरीश्वर पाटिल। इन्होंने 2 दिवसीय जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया था। और स्मार्ट ग्राम पंचायतें हैं वो जमीन स्तर पर लचीलापन में सुधार करेंगी, स्थानीय ताकत और अवसरों के निर्माण की दिशा में अभिनव समाधान वो विकसित कर सकती हैं। और 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ है उसमें डीजी गांव, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, और केरल में एकीकृत स्थानीय शासन प्रबंधन प्रणाली, और स्मार्ट ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के द्वारा, या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर डिजिटल नेटवर्क कवरेज बढ़ाने की प्रस्तुति की गई है कि वहाँ पर इस तरीके का डिजिटल नेटवर्क है वो बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि भारत में जो औपनिवेशिक संस्थाएं आई हैं व्यापार करने के लिए, जो भी यहाँ पर कंपनी आई हैं भारत में, औपनिवेशिक शक्ति आई हैं, उनका क्रम क्या रहा है, यानी वो किस तरीके से आई है। अगर हम बात करें सबसे पहले भारत में कौन आया है, सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद में भारत में कौन आया था? पुर्तगालियों के बाद में आए थे डच। तो यानी पुतला फिर डच। उसके बाद में कौन आया था? उसके बाद में आए थे अंग्रेज। पुर्तगालियों के बाद में डच, उसके बाद में आए थे अंग्रेज। तो अंग्रेज तीसरे नंबर पर आए थे। चौथे नंबर पर आए थे डेंस। अंग्रेजों के बाद में कौन आए थे? डेंस आए थे। और पांचवें नंबर पर आए थे वो फ्रेंच आए थे। तो ये औपनिवेशिक शक्तियां हैं जो भारत में इस क्रम पर आई थी, यानी पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेंस आए थे, और फिर फ्रेंच आए थे। थर्ड हम देखें, थर्ड हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था। भगत आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, तो भरत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भरत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था गोविंदगिरी गोविपालिया और पूजा धीर जी ने किया था। जो पूजा धीर जी हैं, और एक व्यक्ति थे गोविंदगिरी गोविपालिया, गोविंदगिरी गोविपालिया
और एक व्यक्ति थे इनके साथ में जो भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, अब पूंजा धीर जी। पूंजा धीर जी, तो अगर हम इनकी बात करें इनके बारे में, तो प्रसिद्ध जो भगत आंदोलन है उनका नेतृत्व इन्होंने किया था, गोविंदगिरी गोवा पालिया और पूजा धीर जी। पूजा धीर जी जो है वो गोविंदगिरी के सहायक कमांडर थे, और भगत आंदोलन भीलों को एकजुट करने के लिए गोविंदगिरी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये सामाजिक सुधार आंदोलन था। और ये जो आंदोलन है कहाँ कहाँ पर हुआ, ये भगत आंदोलन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन जगहों को यानी इन राज्यों में फैला था, चार राज्यों में फैला था ये, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये फैला था। आंदोलन के माध्यम से गोविंदगिरी ने सामाजिक और धार्मिक उपदेशों के माध्यम से भीलों के नैतिक और भौतिक जीवन को ऊपर उठाने का उन्होंने प्रयास किया था। और धार्मिक सुधार आंदोलनों की जो परिणति भीलों के राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में हुई थी, यानी कि भीलों का जो राजनीतिक आर्थिक विद्रोह था उसी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की परिणति हुई थी। गोविंदगिरी और उसके जो अनुयायी थे वो बांसवाड़ा और सुनत राज्यों की सीमा पर मानगढ़ पहाड़ियों पर वो चले गए थे, और आंदोलन को दबाने के प्रयास में अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ियों पर हमला किया और गोविंदगिरी और उनके जो अनुयायी थे उनको पकड़ लिया, और फिर 7 साल के अच्छे आचरण के बाद गोविंदगिरी को यहाँ पर रिहा कर दिया गया जाता है जेल में से, और फिर पूंजा धीर जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि गोविंदगिरी है वो बंजारा परिवार से बिलोंग करते थे, और उन्होंने गोविंदगिरी ने 1833 में एक संप सभा की भी स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, और उसका फिर पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या उसमें बताया गया है। जैसे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, जिन्होंने तिब्बत में जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया, कहाँ पर, तिब्बत में, तो उन बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है जिन्होंने तिब्बत में जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उनका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ जो है, या पद्म संभव नाम था उनका, पद्म संभव नाम था। अब इनके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करें तो बौद्ध धर्म जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, और इसके जो अनुयायी हैं वो बौद्ध कहलाते हैं, तो ये फोर्थ नंबर पर आता है बौद्ध धर्म। और बौद्ध परंपराओं में दुख पर काबू पाने और निर्वाण की प्राप्ति का लक्ष्य है, यानी कि दुख पर किस तरीके से काबू पाया जाए और किस तरीके से ज्ञान का उदय किया जाए। निर्वाण मतलब होता है ज्ञान का उदय, यानी किस तरीके से ज्ञान का उदय किया जाए, उस पर ये बौद्ध धर्म है वो काम करता है। बौद्ध धर्म का जो श्रेय है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जाता है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ये बौद्ध धर्म चल रहा है। और पद्म संभव है, उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया था। और असंग एक बौद्ध दार्शनिक और योगाकारा संप्रदाय के संस्थापक थे, एक व्यक्ति थे असंग। असंग कौन थे, असंग थे बौद्ध दार्शनिक और योगाकारा संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन से संप्रदाय था, योगाकारा, इस संप्रदाय के ये संस्थापक थे। और हम कह सकते हैं हीनयान की बात करें, जैसे हीनयान कौन था, हीनयान की बात करें हम, हीनयान क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है हीनयान भी। हीनयान भगवान के बिना धर्म के रूप में परिभाषित करता था, यानी कि जो भगवान है भगवान के बिना धर्म के बारे में वो बताता था हीनयान। और कर्म भगवान की जगह लेता है, हीनयान के अनुसार कर्म जो है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही भगवान की जगह लेता है। और स्थी वीरवाड़ हीनयान का सबसे पुराना संप्रदाय है, इसका संप्रदाय कौन सा है, स्थी वीरवाड़, स्थ वीर वाड़,
या वीरवाड़ा हम बोल सकते हैं, स्थिर वीरवाड़ा या स्थिर वीरवाड़ा है, ये हीनयान संप्रदाय का यानी हीनयान है उनका सबसे पुराना संप्रदाय है। और हीनयान बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया है, ये बौद्धों की एक शाखा है हीनयान, और इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, पाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद में आते हैं बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा आती है महायान। महायान कौन है, महायान को हम महाचक्र के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, महाचक्र के नाम से भी जानते हैं। और नागार्जुन है महायान के संस्थापक थे, महायान के संस्थापक कौन थे, नागार्जुन, ये महायान के संस्थापक थे। और इनके अनुयायियों का मानना है कि बुद्ध और बोधिसत्व की सहायता से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम बात करें बौद्ध की जो संगति है, बौद्ध की चार संगति हुई हैं, बौद्ध की जो प्रथम संगति है, प्रथम संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, ये बौद्ध की प्रथम संगति है जिनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इनका जो स्थान है उसको हम राजगृह कहते हैं, और 483 ईसा पूर्व की ये बात है। और इसके संरक्षक थे, प्रथम बौद्ध संगति के जो संरक्षक थे वो थे अजात शत्रु, अजात शत्रु। फिर दूसरी संगति आती है, दूसरी संगति आती है सबकामी, दूसरी संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सबकामी, और इसका जो स्थान है उसको हम वैशाली के नाम से जानते हैं, और इसकी जो ईयर है वो 383 ईसा पूर्व की बात है। और इसके जो संरक्षक थे वो थे कालाशोक, कालाशोक। फिर तीसरी संगति आती है, तीसरी संगत के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत तिस्सा, कौन थे, मोगलीपुत मोगलीपुत तिस्सा। और इसके जो स्थान की बात करें, ये स्थान है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और 250 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। और इसके जो संरक्षक थे वो थे अशोक। और चौथी बौद्ध संगति आती है, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, कौन थे, वसुमित्र। और स्थान की बात करें तो स्थान का नाम है कुंडलवन, और 72 ईसा पूर्व की बात है। और इसके जो संरक्षक थे वो थे कनिष्क। तो हम यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि बौद्ध की जो चौथी संगति है उनके संरक्षक कौन थे, अशोक कनिष्क थे चौथी संगति के, तीसरी के अशोक थे, दूसरी के कालाशोक थे, और पहले के अजातशत्रु। और चौथी बौद्ध संगति है उसके जो स्थान है उसको कुंडलवन कहते हैं, इधर पाटलिपुत्र कहते हैं तीसरी संगति को, दूसरी संगति वाले को वैशाली कहते हैं, और पहली संगति वाले को राजगृह कहते हैं। इनका ईयर भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से चार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करें क्या अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत और एक देश है कोई, भारत के अलावा दूसरा एक देश है, उनके बीच में 22 अगस्त 2022 को दोनों देशों के बीच में नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी नाविक आसानी से एक देश से दूसरे देश में आ सके, तो वो कौन सा देश है। तो नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए ईरान देश के साथ में भारत ने समझौता किया है, और कब किया है, 12 अगस्त 2022 को ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें मटेरियल क्या है, क्या बताया गया है, भारत और ईरान ने 22 अगस्त 2022 को दोनों देशों के बीच में नाविकों की जो सुगम आवाजाही है उसके लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पतन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और उसके ईरानी समकक्ष रोस्तम घासेमी है, वहाँ पर ईरान के जो हैं वो है रोस्तम घासेमी, उनके बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सोनोवाल चाबहार की बात करें, ये कहाँ पर है, चाबहार, सोनोवाल है ये चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ईरान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सोनोवाल, वो बात कर रहे हैं ईरान से कि ईरान और भारत के बीच में ये चाबहार बंदरगाह है, ये भी विकास का मार्ग है, तो चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा के लिए वो 4 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। अगर हम बात करें
ईरान को पारसिया या हम कह सकते हैं फारस भी कहा जाता है। ईरान को हम फारस भी कहते हैं, फारस की खाड़ी जैसे होती है। और आधिकारिक तौर पर इस्लामी गणतंत्र ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है, और इसकी सीमा पश्चिम में, जो ईरान की सीमा है पश्चिम में इराक से लगती है, और तुर्क और पश्चिम में ईरान और तुर्क से लगती है, और उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और अर्मिया से लगती है। अगर हम मैप में हम देखेंगे तो इनकी सीमा है उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और अर्मिया से लगती है, और पश्चिम में इराक और तुर्की से लगती है। ईरान की अगर राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी रियाल है, ईरानी रियाल। और इसके राष्ट्रपति की बात करें, इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम इब्राहिम रईसी इसके राष्ट्रपति हैं। इसके सर्वोच्च नेता की बात करें तो इसके सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 8.4 करोड़ के आसपास ईरान की जनसंख्या है। और आधिकारिक भाषा की बात करें तो ईरान की आधिकारिक जो भाषा है वो फारसी है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो अनुच्छेद 280 की बात कर रहे हैं और भारत के वित्त आयोग की बात कर रहे हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो पहली बात तो वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति जी हैं वो यहाँ पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अनुसार वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कर देगा, और अनुच्छेद 280 के अनुसार ही वित्त आयोग की स्थापना है वो कितने वर्ष के लिए की जाती है, 5 वर्ष के लिए की जाती है। ये बात भी अनुच्छेद 280 में ही बताई गई है। और वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। कौन कैसा निकाय है ये, संवैधानिक यानी संविधान के द्वारा बनाया हुआ है या संविधान के अनुसार बनाया हुआ ये निकाय है, जो केंद्र के करों में राज्य के हिस्से पर राष्ट्रपति को अपना सुझाव देता है। यानी जो केंद्र जो कर ले रहा है उसमें राज्यों का कर का किस प्रतिशत क्या रहेगा उसके बारे में ये राष्ट्रपति को सुझाव देता है वित्त आयोग। और अगर हम बात करें 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता है वो किसने की थी, 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता वाईवी रेड्डी ने की थी। और अभी जो वित्त आयोग चल रहा है 15वां, और 15वें वित्त आयोग है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। कौन है, नंद किशोर सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और भारत के वित्त आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1951 में भारत के वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे वित्त आयोग के के सी नियोगी जी हैं, ये प्रथम अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के अंदर हम बात करें दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना कौन करता है। बात करते हैं दलविहीन लोकतंत्र यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें दल ना हो उसकी परिकल्पना किसने की है, तो वो जयप्रकाश नारायण जी हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। जयप्रकाश नारायण, इनका मानना है कि जो लोकतंत्र है वो दलविहीन होना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में हम बात करें कि यहाँ पर इनको हम जेपी भी कहते हैं या लोकनायक के नाम से भी जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, और एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता ये थे। जयप्रकाश नारायण ने 1948 में कांग्रेस पार्टी से अपने समाजवादी समूह का नेतृत्व किया। 1948 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने जो समाजवादी समूह है उसका नेतृत्व किया था, और बाद में ऐसे एक गांधीवादी उन्मुख पार्टी के साथ मिला करके पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी बना दिया गया था। पहले ये समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी समूह था, उसको बाद में पीपुल्स सोसाइटी पार्टी में बदल दिया गया। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है,
और उन्होंने 1999 में, जयप्रकाश नारायण है, उनको 1999 में भारत रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसे सम्मानित किया गया है। और वह मैगसेस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे, यानी जयप्रकाश नारायण को मैगसेस पुरस्कार है वो भी मिला हुआ है। उसके बाद में नीचे जुड़े हुए एक व्यक्ति आते हैं, विनायक नरहरि विनोबा, एक व्यक्ति हैं विनायक नरहरि विनोबा, विनोबा। तो विनायक नरहरि विनोबा भावे हैं, ये अहिंसा और मानवाधिकारों के एक भारतीय अधिवक्ता थे, और अक्सर आचार्य कहा जाता है। जो आचार्य नरहरि विनोबा भावे हैं उनको आचार्य कहा जाता है, और उन्हें हम भूदान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने इनको यानी जो आंदोलन उन्होंने चलाया था उनको हम भूदान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। फिर इन्हीं से जुड़े हुए एक आदमी आते हैं, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ये व्यक्ति कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी हैं, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता और एक समाजवादी राजनीतिक नेता थे, और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण के दौरान उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ में काम किया, और 1942 तक, राम मनोहर जी मनोहर लोहिया हैं, उन्होंने 1942 तक बॉम्बे के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप में प्रकाशित होता था ये, यानी जो रेडियो है वो रेडियो 1942 तक बॉम्बे के जो अलग अलग स्थान है वहाँ से ये प्रकाशित होता था, और ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण के दौरान इन्होंने कांग्रेस के रेडियो में काम किया है। उसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, इनके बारे में क्या बताया जाता है? आचार्य नरेंद्र देव हैं, ये भारत के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख सिद्धांतक, जो प्रमुख सिद्धांतकार थे उनमें से एक थे, और उनके लोकतंत्र समाजवाद ने हिंसक साधनों को एक सिद्धांत के रूप में त्याग दिया, और सत्याग्रह को एक क्रांतिकारी रणनीति के रूप में इन्होंने अपनाया है। यानी इन्होंने जो अपनाया है सत्याग्रह को, इन्होंने एक क्रांतिकारी रणनीति के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री से, बात है 1232 की। 1232, 1232 में ग्वालियर अभियान के समय विजय की स्मृति में एक स्मरणीय सिक्का जारी किया गया, और इस पर इल्तुतमिश के साथ किसका नाम था? यानी 1232 में ग्वालियर अभियान चलाया था इल्तुतमिश ने, और उस ग्वालियर अभियान में इल्तुतमिश विजयी हुआ था, और उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने सिक्का चलाया था, तो उस सिक्के पर इल्तुतमिश के साथ में कौन था? इल्तुतमिश के साथ में था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो कौन था रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ऐबक का ये कौन था? दामाद था, और ऐबक का गुलाम भी हम कह सकते हैं। और ये इल्तुतमिश है, ये 1210 से 1236 तक ये दिल्ली का शासक रहा है इल्तुतमिश, और इसे उत्तर भारत में तुर्की की विजय का वास्तविक संज्ञक माना जाता है। उत्तर भारत में तुर्की की जो विजय प्राप्त की थी उसका वास्तविक संज्ञक इसी को माना जाता है। इल्तुतमिश बंगाल और बिहार को वापस दिल्ली सल्तनत में ले आया था, यानी बंगाल और बिहार को भी इसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, और उसने राजपूत विद्रोह को दबाया था, और 1226 में रणथंबोर को इन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया था। इल्तुतमिश से इन्होंने रणथंबोर को 1226 में रणथंबोर को पुनः प्राप्त कर लिया, राजपूत विद्रोह को दबाया था। 1231 ईस्वी तक इल्तुतमिश है उसने 1231 तक बयाना, मंडोर और जालौर पर अपना नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया था 1231 तक, और बयाना पर कब्जा करने के बाद इल्तुतमिश ने अपना ध्यान है वो ग्वालियर की तरफ लगाया, और ग्वालियर के परमार शासक ने एक वर्ष से अधिक समय तक विरोध किया,
लेकिन फिर किले को खाली करने के लिए ग्वालियर का जो परमार शासक था उस समय, उसको मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद में क्या होता है, ग्वालियर को बुंदेलखंड और मालवा में लूटपाट की छापेमारी का अड्डा यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि ग्वालियर से बुंदेलखंड और मालवा में यहाँ पर लूटमार की जाती थी ग्वालियर के वहीं से, इसलिए ग्वालियर को यहाँ पर बुंदेलखंड और मालवा में लूटपाट की छापेमारी का अड्डा बनाया गया। और 1232 ईस्वी में ग्वालियर के अपने सफल अभियान के बाद इल्तुतमिश ने अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए एक स्मरणीय सिक्का चलाया, और इस सिक्के पर उसने अपने नाम के साथ में अपनी बेटी थी, उनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, उसका नाम भी उत्कीर्ण करने का आदेश दिया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को सिंहासन पर बैठाने के लिए नामांकित किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि उसके जीवित पुत्रों में कोई भी उस सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। और इस प्रकार रजिया सुल्तान है वो मध्यकालीन भारत में पहली मुस्लिम महिला थी जो शासक बनी थी। और ये कब की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक थी, क्योंकि उसके जो भाई थे वो शासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया। उसके बाद में हम बात करें, एक आता है तुर्कान खातून, एक व्यक्ति है तुर्कान खातून, तुर्कान खातून, ये व्यक्ति कौन है तुर्कान खातून? तुर्कान खातून या तरकैन खातून हम बोल सकते हैं, जिसे तुर्कान खातून या तुर्कन खातून के नाम से भी जाना जाता है, ये सेल्यूजुक साम्राज्य की महारानी थी। जो तरकैन खातून है ये सेल्यूजुक साम्राज्य की महारानी थी, और 1072 से सेल्यूजुक साम्राज्य के सुल्तान मलिक शाह प्रथम की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी के रूप में 1092 में उनकी मृत्यु हुई थी। और वह सेल्यूक साम्राज्य के अगले शासक महमूद प्रथम की माँ थी, और 1092 से 1094 में उनकी अल्पवयस्कता के दौरान राज्य संरक्षक भी थी। उसके बाद में एक लेडी जाती है नसरुद्दीन महमूद, ये व्यक्ति है, लेडीज नहीं है, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश का पोता था, जो युवा और अनुभवहीन था, यानी अनुभव नहीं था। उसने बलवन उलुग खान और चहलगनी का सदस्य वो था, यानी चालीसा जो है उसका सदस्य था, जिसने खुद राज्य संरक्षक का पद ग्रहण किया और उसकी मदद से सिंहासन पर चढ़ाई की। उसने अपनी बेटी का विवाह है वो नसरुद्दीन से किया, इसलिए वास्तविक शक्ति है वो बलवन के हाथों में चली गई, क्योंकि बलवन ने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया था, इस वजह से जो वास्तविक शक्ति है बलवन के हाथ में चली जाती है। उसके बाद में आते हैं एक रकनुद्दीन फिरोज, व्यक्ति का नाम है रकनुद्दीन फिरोज। तो रकनुद्दीन फिरोज की बात करें, ये इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कुलीनों की मदद से सिंहासन पर बैठा था, और यह मुल्तान के गवर्नर ने विद्रोह किया, तो रकनुद्दीन फिरोज शाह ने विद्रोह को दबाने के लिए कूच किया। और इस अवसर का उपयोग करते हुए इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया ने दिल्ली के अमीरों की मदद से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नील नदी के बारे में। जो नील नदी है उसको किस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? नील नदी, तो नील नदी है वो मिस्र की, मिस्र जो देश है, मिस्र देश की रीढ़ की हड्डी है नील नदी, मिस्र देश की। हम नील नदी के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन हम देखें, बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है नील नदी? नील है दुनिया का सबसे लंबी नदी है ये, अगर हम बात करें दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी साउथ से उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर बहती है पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में। और नदी का जो अधिकांश भाग है वो मिस्र में ही बहता है, इसलिए मिस्र की नदी के नाम से जानते हैं इसको। और यह कृषि करने के लिए भी काम आती है, मछली पकड़ने का यह स्रोत है, और देश में परिवहन की यह सुविधा भी प्रदान करती है, यानी तीन काम इसे होते हैं, कृषि में भी पानी की व्यवस्था होती है, मछली पकड़ने के लिए इसके पानी का उपयोग किया जाता है, और
परिवहन के लिए भी, यानी जल मार्ग से भी यात्रा करते हैं लोग, तो वहाँ भी नील नदी का इम्पोर्टेंस है। अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप में हमें ये मिलेगी, जो नील नदी है वो युगांडा और सूडान इजिप्ट के रास्ते से हमें मिलेगी, जब भी हमें मौका मिलेगा मैप में देखने का। उसके बाद में अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन की बात करें, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नील नदी का जो बेसिन है, बेसिन में कौन कौन आ जाते हैं, कौन कौन से देश हैं वो आ जाते हैं बेसिन में, जैसे युगांडा है, युगांडा को इसका लाभ मिलता है, सूडान है, सूडान को इसका लाभ मिलता है, दक्षिणी सूडान है उसको इसका लाभ मिलता है, एक देश है इथियोपिया, इथियोपिया इस देश को भी नील नदी का लाभ मिलता है, मिस्र है वो भी इस देश में शामिल है, यानी कि इसका जो बेसिन है उसमें शामिल है। और ये अगर नदी की बात करें कहाँ से शुरू होती है, युगांडा में एक विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के पास से शुरू होती है और भूमध्य सागर में जाकर के मिलती है। कहाँ पर जाकर के मिलती है, भूमध्य सागर में जाकर के मिलती है, और युगांडा में एक झील है विक्टोरिया झील, वहाँ से ये शुरू होती है और मिस्र में, मतलब कि भूमध्य सागर में मिस्र में जाकर के मिल जाती है। एक यहाँ पर यह है कि पूर्वी सहारा क्षेत्र के देशों के लिए एक क्या है, प्रमुख जीवन रेखा है, जो पूर्वी सहारा क्षेत्र है उनके लिए जीवन रेखा का काम करती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर सूडान के अंदर है हम, फिर जीवन रेखा की हम बात कर रहे थे, पूर्वी सहारा क्षेत्रों के देशों के लिए ये प्रमुख जीवन रेखा का काम करती है और परिवहन भी प्रदान करती है, कृषि और मछली पकड़ने में भी सहायता करती है। और अगर हम बात करें जो अलेक्जेंड्रिया और कोहिरा जो मिस्र का है और खार्तून जो सूडान का है, ये नदी के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं। अगर मान लो पूछा जाए मिस्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जैसे कोहिरा हो गया, कोहिरा के बाद में कोहिरा कहाँ का है, मिस्र का है, खार्तून, खार्तून भी है एक देश का नाम, यानी कि शहर का नाम है खार्तून, खार्तून जो शहर है खार्तून वो सूडान का शहर है, और मिस्र का कौन सा है, कोहिरा मिस्र का शहर है जो नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और एक है अलजेंड्रिया, अल जेंड्रिया ये भी एक देश है जो कि शहर है जो कि मिस्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे वर्डी ईगल या अल्वाट्रास कौन से गेम में उपयोग किए जाते हैं, एक वर्ड है हमारे पास में वर्डी ईगल, वर्डी ईगल, और एक है अल्वा ट्रास, अल्वा ट्रास, ये कौन से गेम है जिसके अंदर ये प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो शब्द है ये गोल्फ जो गेम होता है उसके शब्द है, वर्डी ईगल और अल्फा ट्रास। गोल्फ क्या है, एक तरीके से क्लब एंड बॉल गेम खेल है, क्लब एंड बॉल खेल, इसमें खिलाड़ी विभिन्न क्लबों का उपयोग करके गेंदों को एक कोर्स पर छेद की एक श्रृंखला में जितना संभव हो सके उतना कम स्ट्रोक में हिट करते हैं। अब आयरलैंड में गोल्फ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अगर हम बात करें कौन से देश में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये आयरलैंड में सबसे ज़्यादा खेला जाता है या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है गोल्फ, और ये न कोई शारीरिक खेल है बल्कि यह दिमाग का भी खेल है, शारीरिक तो है ही है साथ में ये जो दिमाग का खेल भी है ये गोल्फ। और इसके जो गेम में जो शब्द यूज किए जाते हैं जैसे कि एल्वा ट्रास इसमें यूज किया जाता है, टी शॉट इसमें यूज किया जाता है, टी शॉट, और ब्लाइंड शॉट भी इसमें यूज किया जाता है, एस एक शब्द है ये वो भी इसमें यूज किया जाता है, डबल ईगल भी इसमें यूज किया जाता है, डबल ईगल। तो उसी के बाद में हम बात करते हैं कुछ गेमों की बात करते हैं, जैसे पोलो क्या होता है, पोलो कहाँ पर खेला जाता है, पोलो की बात करें चार खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच में घोड़ों की पीठ पर ये पोलो गेम में खेला जाता है, जो लकड़ी की गेंद को एक घास के मैदान के नीचे
और दो गोल पोस्टों के बीच चलाने के लिए लंबी लचीले हैंडल वाली मेलेट का यहाँ पर उपयोग करते हैं, और यह घुड़सवारी का सबसे पुराना खेल है पोलो। उसके बाद में एक बॉल गेम है हमारे पास में, बेसबॉल। बेसबॉल में क्या बताया गया है, ये बैट बल्ले यानी जो बल्ला होता है, बैट होता है, और गेंद का खेल है, और ये 9 खिलाड़ियों की 2 टीमों के द्वारा खेला जाता है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं। और जो हमने देखा था गोल्फ, गोल्फ में क्या है, एक ही खिलाड़ी होता है, उसी के दम पर वो गेम चलता है। तो बेसबॉल है, इसमें क्या है, खेल में 9 पारियां होती हैं, और जिनमें दोनों टीमों के खिलाड़ी बारी बारी से बल्लेबाजी करते हैं, 4 बेसों के आसपास आगे बढ़ाने हेतु या बढ़ाते हुए यहाँ पर रन बनाए जाते हैं। उसके बाद में एक गेम होता है फुटबॉल। कौन सा गेम है, फुटबॉल। फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल को हम एसोसिएशन फुटबॉल या फिर हम सॉसर भी कहा जा सकते हैं, फुटबॉल को हम सॉसर भी कह सकते हैं। और ऐसा खेला है जिसमें 11 खिलाड़ियों की क्या है, 2 टीम होती है, 11 मेंबर्स की टीम होती है। अपने हाथों और बाहों को छोड़कर अपने शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग करके विरोधी टीम के लक्ष्य में गेंद की कुशलता से डालने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फुटबॉल में हाथ और बाहों का उपयोग नहीं करना है, बाकी शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग करके विरोधी टीम है उसका गोल किया जाता है, तो वो होता है हमारा फुटबॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का जो सर्वेक्षण किया गया है स्वच्छता का, ये सर्वेक्षण किया गया है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका आया है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, इसका सुंदरता में या फिर हम कह सकते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान आया है मध्य प्रदेश, के बाद में दूसरा स्थान आता है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़, और तीसरा स्थान आ जाता है महाराष्ट्र का। उसके बाद में हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश का पहला स्थान आया है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का दूसरा तीसरा स्थान आया है, इंदौर को लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर यहाँ पर घोषित किया गया है। हर बार इंदौर ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, और 6वीं बार इसने ये उपलब्धि प्राप्त की है सबसे स्वच्छ शहर की। और सूरत और नवी मुंबई ने अगले दो, इसके बाद में किसका नंबर आता है, सूरत, यानी पहले नंबर पर इंदौर शहर है, दूसरे नंबर पर सूरत, और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई का नाम आया है सुंदरता के मामले में, यानी साफ सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में। तो तेलंगाना है, तेलंगाना ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार जीता है। जो बड़े राज्यों में अगर बात करें, बड़े राज्यों में किसको मिला है पहला स्थान, तेलंगाना को मिला है बड़े राज्यों के मामले में। ओवरऑल राज्यों के मामले में मध्य प्रदेश को मिला है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं उनकी श्रेणी में पहला पुरस्कार तेलंगाना को मिला है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति को देखता है। इसमें बड़े राज्यों में फिर हरियाणा आ जाता है, हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है, और तमिलनाडु है उसको तीसरा स्थान मिला है। बड़े राज्यों की सुंदरता की बात करें, स्वच्छता की बात करें, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखें, अंडमान और निकोबार है छोटे राज्यों के मामले में। अंडमान निकोबार को पहला नंबर मिला है छोटे राज्यों में, और उसके बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीव और सिक्किम से दूसरा स्थान मिला है, यानी उसके बाद में दादरा नगर हवेली और उसके बाद में दमन दीव और फिर सिक्किम, इनको यहाँ पर स्थान मिला है। उसके बाद में बात करें 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, महाराष्ट्र का एक पंचगनी पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में एक जगह है पंचगनी, वो पहले स्थान पर है, लेकिन वो किस में है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उनके मामले में, जबकि छत्तीसगढ़ का पाटन है और महाराष्ट्र का करहड़ बाकी स्थान पर आया है, यानी कि पंचगनी के बाद में छत्तीसगढ़ का एक पाटन शहर है और एक महाराष्ट्र का करहड़ शहर है, ये भी यहाँ पर स्वच्छता के मामले में आगे आए हैं। और 1 लाख से अविद ज़्यादा आबादी के मामले में
हरिद्वार जो है, हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है, यानी गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनमें हरिद्वार है उसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और उसके बाद में वाराणसी आता है, और उसके बाद में नंबर आता है ऋषिकेश का, इसका नंबर आता है ऋषिकेश का नंबर आता है ऋषिकेश। तो सर्वेक्षण में हम बात करें, सर्वेक्षण में महाराष्ट्र का जो देवलाली का देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, देश का अगर हम बात करें सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन है, वो है महाराष्ट्र का देवलाली, ये देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है वो किसने प्रारंभ किया था, नेशनल हेराल्ड ये समाचार पत्र का नाम है, और ये किसने शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने समाचार पत्र की शुरुआत की नेशनल हेराल्ड की। दी नेशनल हेराल्ड है 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र है, 1938 में ये स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी दल की चिंताओं को आवाज़ देना था। एसोसिएशन जनरल लिमिटेड AJL जो है, एसोसिएशन जनरल लिमिटेड, इसके द्वारा प्रकाशित यह अखबार आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का मुख्य पत्र बन गया है, और AJL को विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्रों के प्रकाशन के उद्देश्य से भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत 20 नवंबर 1937 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया। और इसने अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और हिंदी में हम बात करें नवजीवन, हिंदी में नवजीवन, और उर्दू में कौमी आवाज़ जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है। उर्दू में कौन सा, कौमी आवाज़, ये तीन हैं जिनका इन्होंने प्रकाशन किया है AJL ने, एसोसिएशन जनरल लिमिटेड ने। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था, नेशनल हेराल्ड को यानी AJL को, एसोसिएशन जनरल लिमिटेड को। और 2008 में समाचार पत्र 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ ये बंद हो गया था, तो 2008 में ये बंद हो जाता है। और कितने कर्ज के साथ में, 90 करोड़ का कर्ज इस पर हो गया था, और इसके साथ में ये समाचार पत्र बंद हो जाता है। उसके बाद में बात करें मनसबदारी जो व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का रूल है, किसने चालू किया था, मनसबदारी जो व्यवस्था थी मुगलों में चलती थी मनसबदारी व्यवस्था, उसमें 1/3 और 1/4 का रूल किसने चलाया था, नियम किसने चलाया था, तो वो व्यक्ति का नाम क्या है मनसबदारी व्यवस्था में इस तरीके का रूल चलाने वाले को हम कहते हैं शाहजहां, उस व्यक्ति का नाम था शाहजहां जिसने यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 1/4 की व्यवस्था चलाई थी। शाहजहां ने क्या किया था, मनसबदारी द्वारा रखे गए सैनिकों की संख्या कम कर दी थी, और अब प्रत्येक मनसबदार को मूल इकाई जो मूल संख्या थी उसका 1/3 रखना आवश्यक था, और कभी कभी इसे घटा करके 1/4 भी कर दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण जागीरदारी और कृषि संकट पैदा हुआ था, इसके कारण मनसबदारी व्यवस्था का पतन हुआ, और अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत किसने की थी, तो अकबर हैं इन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या हुआ, जागीरदारी और कृषि संकट है वो पैदा हो जाता है, और जिसके कारण मनसबदारी व्यवस्था का फिर पतन होता है। और इस प्रणाली के अनुसार रईसों, नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को एक ही सेवा बनाने के लिए जोड़ा जाता था। अब इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या आ जाते हैं कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, और मनसबदारी प्रणाली में 1/3 1/4 का शासन शाहजहां ने लाया था, और शाहजहां ने एक मनसबदार द्वारा रखे गए सैनिकों की संख्या कम कर दी थी, और प्रत्येक मनसबदार को मूल समस्या जो मूल संख्या है उसका 1/1 रख सकता था, या फिर अगर कुछ रहेगा ज्यादा कभी कभी उसको 1/4 भी कर देता था। तो सेवा के अंदर मनसबदारी जो व्यवस्था है, सेवा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मनसब दिया जाता था जिसका अर्थ मनसब का अर्थ पद होता था, और एक मनसबदार एक तरह का रैंक का धारक था, यानी कि मनसबदार पद जात और सवार पर आश्रित था, यानी पूर्व से किसी की स्थिति को संकेत दिया जाता था यहाँ पर,
सवार उसे बनाए रखने वाले घोड़े और घुड़सवारों की जो संख्या थी उसको सवार कहते हैं, और उसके बाद में यह वंशधारा वंशानुगत हो जाता है। और जहांगीर ने एक प्रणाली भी शुरू की जिसके तहत चुने हुए रईसों को अपने जात रैंक को बढ़ाए बिना सैनिकों का एक बड़ा कोटा बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती थी। और यह प्रणाली जो है डू अस्पा यानी दो घोड़ों वाला एक सैनिक, या फिर हम कह सकते हैं सी अस्पा तीन अस्पों तीन घोड़ों वाला एक सैनिक प्रणाली के रूप में लोकप्रिय हुई थी। तो ये जो प्रणाली है, एक है डू अस्पा प्रणाली क्या है यानी दो घोड़ों वाला एक सैनिक होता है, और एक होता है सी अस्पा होता है तीन घोड़ों वाला एक सैनिक। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करते हैं, या भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम आंदोलन हुआ था 1857 का, तो 1857 के बारे में बात करते हैं हम। 1857 के बारे में पहली बात तो ये की जाती है कि इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यानी 1857 है उसका जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, और यह दिल्ली आगरा कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये, पहली बार 10 मई 1857 को मेरठ में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में ये शुरू हुआ था, और मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों के द्वारा ये शुरू हुआ था। जैसा कि विद्रोह भारतीय सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था, या जिन्हें सिपाही भी कहा जाता था, अतः विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअरों की चर्बी से भरे कारतूसों की अफवाह पर यह बगावत शुरू हुई थी, और विद्रोह दिल्ली आगरा कानपुर और लखनऊ में फैल गया था धीरे धीरे, और संपूर्ण रूप से प्रभावी नेतृत्व की कमी के परिणाम स्वरूप ये विद्रोह है ये असफल रहता है। विद्रोह की वजह से क्या परिणाम हुआ? विद्रोह का परिणाम भारत में कंपनी शासन यहाँ पर लागू हो जाता है। पहले कंपनी शासन लागू नहीं था भारत में, अंग्रेज राज कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी शासन करने लगती है। भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन चला जाता है, जो भी ब्रिटिश क्राउन था उसके प्रत्यक्ष अधीन चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन चला जाता है। और गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय का पद यहाँ पर बना दिया जाता है। पहले गवर्नर जनरल था, अब यहाँ पर एक पद बना जाता है जिसको हम कहते हैं वायसराय, यानी वायसराय का पद यहाँ पर बना दिया जाता है। अगर हम बात करें विभिन्न केंद्रों पर विद्रोह के नेता कौन कौन थे, जैसे अलग अलग जगह पर ये विद्रोह हुआ था, जैसे बिहार में जो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे या नेता थे इस विद्रोह के 1857 के विद्रोह के, वो थे कुंवर सिंह बिहार से थे। अगर हम बात करें लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, फिर झांसी और ग्वालियर से थे लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, कानपुर से थे नाना साहब, और बरेली से खान बहादुर खान, दिल्ली से शाहजहाँ सेकंड, और इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद में बात करते हैं बंगाली नववर्ष को हम क्या कहते हैं, जो बंगाली लोग हैं वो नववर्ष मनाते हैं उसको क्या कहते हैं, बंगाली नववर्ष को हम कहते हैं पोइला वैसाख। क्या कहते हैं? पोइला वैसाख। क्या होता है पोइला वैसाख? बंगाली नववर्ष का जो पोइला वैसाख है, या फिर हम कह सकते हैं बांग्ला नमो बोसो के नाम से भी जाना जाता है, और यह अप्रैल के महीने में पूरे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और पड़ोसी देश अर्थात बांग्लादेश में भी ये मनाया जाता है। पोइला वैसाख यानी पहला वैसाख को ही पोइला वैसाख कर दिया है। पहला वैसाख पर जो देवी लक्ष्मी होती है और धन की हिंदू देवी है लक्ष्मी देवी, इसकी पूजा होती है, और भगवान गणेश की भी यहाँ पर पूजा होती है पहला वैसाख में। और पोइला वैसाख एक महत्वपूर्ण उत्सव है क्योंकि यह एक नए वित्तीय वर्ष का शुरुआत का प्रतीक है, और इस दिन सुबह पुरुष और महिलाएं मंदिरों में जाते हैं। फिर हम बात करते हैं दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा है ये बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है,
और यह त्यौहार पूरे पश्चिम बंगाल में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और इस त्यौहार के दौरान पूरे भारत और दुनिया भर से लोग त्यौहार का आनंद लेने के लिए पश्चिम बंगाल आते हैं। नेक्स्ट हम देखें कुतुब शाही जो मकबरा है वो कहाँ पर है। कुतुब शाही मकबरा तेलंगाना में है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। कुतुब शाही मकबरा कहाँ पर है, ये तेलंगाना में था। तेलंगाना तो कुतुब शाही मकबरा है, कुतुब शाही वंश के विभिन्न राजाओं के द्वारा निर्मित मकबरे और मस्जिद जो होते हैं वो कुतुब शाही मकबरा है। कुतुब शाही मकबरा तेलंगाना के और ये इब्राहिम बाग में स्थित है तेलंगाना में। कुतुब या जो कुली कुतुबुल मुल्क कुतुब शाही वंश का संस्थापक था, जो कुतुब शाही वंश है उसका संस्थापक कौन था, कुली कुतुब उल मुल्क, कुली कुतुब उल मुल्क मुल्क ये यहाँ का शासक था। और अगर हम बात करें कुतुब शाही वंश ने 1518 से 1687 तक दक्षिणी भारत में गोलकुंडा सल्तनत पर शासन किया था। और बलवन का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा, सरफदरजंग का मकबरा, दिल्ली में स्थित कुछ प्रसिद्ध मकबरे हैं। फतेहजंग का जो मकबरा है राजस्थान के अकबर में अलवर में स्थित है, फतेहजंग का मकबरा, फतेहजंग का मकबरा राजस्थान के अलवर में है। बलवन का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और सरफदरजंग का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। दिल्ली में किस किस का है, हुमायूं का है और सरफदरजंग का है, सफदरजंग और किसका है, बलवन का भी है यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करें मोहम्मद घोष, तानसेन और सवाई सिंह के मकबरे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। किस किस के हैं, मोहम्मद घोष हो गया, तानसेन हो गया और सवाई सिंह हो गया, तानसेन और सवाई सिंह ये मकबरे हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को में एक रिपोर्ट तैयार की गई है 2022 में सितंबर में। यूनेस्को क्या रिपोर्ट तैयार की है, नेशनल एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के नाम से, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के नाम से, लर्निंग सिटीज इसके नाम से एक तैयार की गई है, सूची तैयार की गई है। उसमें केरल के नीलांबुर और त्रिशूर ये दो शहर है केरल के, जिनका नाम है नीलांबुर और त्रिशूर, इस सूची में इनका नाम है, केरल के दो शहर हैं। और तेलंगाना का वारंगल है, कहाँ का, तेलंगाना, यहाँ का शहर एक वारंगल, इसका भी नाम है, उसमें नाम है इनका नाम, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में इनको शामिल किया गया है। इन शहरों को स्थानीय स्तर पर सभी के लिए आजीवन सीखने को एक वास्तविकता बनाने के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयास हैं उनको मान्यता दी गई है। यूनेस्को जो GNLC है, GNLC क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें 294 शहर हैं यहाँ पर शामिल किए गए हैं, और जो अपने समुदाय में आजीवन सीखने को सफलतापूर्वक बढ़ावा देते हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है ये। और इसका उद्देश्य जो है यूनेस्को का क्या है, यूनेस्को का उद्देश्य है
शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक है आड्रे एंजोल हैं, इसके महानिदेशक हैं। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? फ्रांस पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को लंदन में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और इसका जो मूल संगठन है वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्र के अंडर में ही ये काम करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा है यूनेस्को, जो कि शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम देखें, एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो बताइए कमेंट करके, या सोचिए। राष्ट्रीय योजना समिति इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना की थी ये छोटा आएगा समिति में इस तरीके से, सुभाष चंद्र बोस। ये इसकी स्थापना करते हैं। और इसके बारे में बाकी बात करें, राष्ट्रीय योजना जो समिति है, भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का प्रयास है। सबसे पहला प्रयास 1938 में किया गया था भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का प्रयास। और उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। हालांकि समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी, केवल 1948 और 1949 में पहली बार कुछ कागजात यहाँ पर सामने आए थे। और 1994 में मुंबई के जो आठ उद्योगपति हैं 1944 में, वो आठ उद्योगपति कौन हैं? जेआरडी टाटा थे मुंबई के आठ उद्योगपतियों में, जेआरडी टाटा, जेडी बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई और एडी श्राफ, आरदेशीर दयाल और जान मथाई। इन्होंने मिलकर के काम करते हुए भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला एक संक्षिप्त ज्ञापन इन्होंने तैयार किया था, और उस ज्ञापन को बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना में 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को तिगुना करने की परिकल्पना यहाँ पर की गई। उसके बाद में हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? जवाहरलाल जो नेहरू हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की नींव रखने में कई तरीके से योगदान दिया है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद, गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के जो संस्थागतकरण आदि की नीतियों के माध्यम से परिलक्षित हुआ है। नेहरू का मानना है कि भारत उन सभी का है जिन्होंने इनके इतिहास और सभ्यता में योगदान दिया है। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके अधिकारों की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए बहुसंख्यक समुदाय का विशेष दायित्व होता है, ऐसा बताया है। और इसमें विविधता में एकता की आख्यान के निर्माण में भी मदद मिलती है। उसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनके विचार हम देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, उनके विचार क्या थे? तो लाल बहादुर जो शास्त्री हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। विद्यापीठ द्वारा उनकी स्नातक डिग्री पुरस्कार के एक भाग के रूप में उन्हें शास्त्री अर्थात विद्वान की उपाधि दी गई। और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। ये किसने नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। और भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी के आजीवन सदस्य रहे हैं, यानी लोक सेवक मंडल के वो आजीवन सदस्य रहे हैं। और वहाँ उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और बाद में भी उस सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह उसमें भी भाग लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं साइंस का।
एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बाजपन जो होता है, बाजपन किसकी कमी के कारण होता है? कई बार कई लेडीज हैं वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं, तो बाजपन है वो किसकी कमी से आता है? बाजपन आता है विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से आता है बाजपन। अब होता क्या है, ये बाजपन क्या है? असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद गर्भ धारण करने में असमर्थता जो होती है उसको हम बोलते हैं बाजपन। यह नर और मादा प्रजनन अंगों की समस्याओं के कारण होता है। बाजपन जो है विटामिन ई की कमी से होता है और यह मादा प्रजनन अंगों के विकास के लिए आवश्यक है। जो विटामिन ई होता है मादा प्रजनन अंगों के विकास के लिए आवश्यक है और इस विटामिन की कमी शुक्राणुओं की गतिशीलता और अंडे के साथ एक रूपता होने की क्षमता को प्रभावित करती है। और गर्भाशय के अंदर मायोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गर्भाशय के अंदर मायोम का निर्माण होता है और इस प्रकार गर्भाशय अंडे के अंतरोपण के लिए तैयार नहीं होता है। अगर इसी तरीके से हम बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, तो ये वसा में विलय यानी मिला हुआ विटामिन होता है ए, और इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी इसकी कमी से होने वाला रोग है। और यह कोशिका वृद्धि और प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों के लिए आवश्यक है। एक है विटामिन बी ट्वेल्व जो है ये जल में विलय होता है और इसे कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिया जो रोग होता है कमी की वजह से, और इसको कोबालामिन के नाम से जानते हैं। इसके कारण तंत्रिका संबंधी और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। और जैसे विटामिन ई है वो हमने देखा, इसे वसा में विलय होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमें आरओएस से बचाता है, यानी अभिक्रियाशील ऑक्सीजन जो स्पाइसेस होती है आरओएस से ही हमें बचाता है विटामिन ई। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और रक्त बंधन है उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसकी जो अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है? अनुमेय मतलब कि जो कम है, अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि, अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की जो अधिकतम राशि है वो 50,000 है। और तरह की योजनाओं की बात करें, जैसे कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड जो मुद्रा है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास का समर्थन करने वाली एक NBFC है। मुद्रा जो है 10 लाख तक की ऋण आवश्यकता वाली सूक्ष्म इकाइयों को उधार देने के लिए बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है। मुद्रा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की योजना के तहत सूक्ष्म व्यवसाय को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है और अन्य उत्पाद क्षेत्रों के विकास की सहायता के लिए भी है। मुद्रा की पेशकश को गुच्छा नीचे यहाँ पर वर्णन करते हैं हम, क्या है कैसे आई हुई है। पेशकशों को लाभार्थी वर्गों के वर्णक्रम में लक्षित किया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है PMMY के तत्वाधान में मुद्रा ने उत्पाद और योजनाएं बनाई हैं। हस्तक्षेपों को शिशु, किशोर और तरुण आदि नाम दिया है जो लाभार्थी सूक्ष्म इकाई या उद्यमी की वृद्धि, विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के कारण चरण को दर्शाता है। क्रमिक वृद्धि और विकास के अगले चरण को देखने के लिए यह संदर्भ बिंदु भी प्रदान करता है। शिशु जो है वो 50,000 तक के ऋणों को शामिल करता है, किशोर जो है 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के ऋणों को शामिल करता है, और वयस्क 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋणों को शामिल करता है। नई पीढ़ी के इच्छुक युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य यह सुनिश्चित किया गया है कि शिशु श्रेणी इकाइयाँ और फिर किशोर और तरुण जो श्रेणियाँ हैं उन पर ध्यान दिया जाए। शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि और विकास का समग्र उद्देश्य रूपरेखा के अंतर्गत मुद्रा द्वारा पेश किया जा रहा है। और उत्पादों को विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों और गतिविधियों के साथ साथ व्यवसाय उद्यमी क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने में बनाया जाता है। मुद्रा से फंडिंग सहायता दो प्रकार की होती है,
MFI 1 के माध्यम से और 1 लाख तक के ऋण के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। और वाणिज्यिक बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या फिर हम कह सकते हैं लघु वित्त बैंकों या गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं वो NBFC के लिए पुनर्वृत्त योजना है। उसके बाद हम बात करते हैं थेलुकु त्रिल बसीर का मार्च 2022 में निधन हो गया था, वो किससे संबंधित थे? कौन व्यक्ति का नाम है? थेलुकु त्रिल बसीर, थेलुकु त्रिल बसीर ये व्यक्ति हैं जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया था। ये राजनीति से संबंधित थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक और सांसद थे। थेलुकु त्रिल बसीर, इनका निधन 25 मार्च 2022 को हो जाता है। और थेलुकु त्रिल बसीर ये चरैया की जो निर्वाचन क्षेत्र में 2 बार लोकसभा के चुनाव चुने गए थे और ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और वह 1977 में कंजाक कुटुम केरल निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा में भी चुने गए थे। और अगर हम बात करें अभी अभी किन किन लोगों का मृत्यु हुई है, तो हाल ही में एक मलयालम अभिनेत्री है KPAC ललिता, उनका निधन फरवरी 2022 में हुआ है। फिर गायक संगीत निर्देशक हैं बप्पी लहरी जी का निधन 15 फरवरी को मुंबई में हो गया था। फिर अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिक व्यंग्यकार और वेस्ट सेलिंग लेखक थे पीजे ओ रूर के, इनका निधन फरवरी 2022 में हो गया था। फिर फरवरी 2022 में ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे क्रिस्टोस सार्थजेताकिस, उनका निधन हो गया। प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार, जिन्होंने कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित की थी, और फरवरी 2022 में उनका निधन हो गया। और 20वीं सदी का इटालियन अभिनेत्री मोनिका जट्टी का निधन फरवरी 2022 में हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्री करता है भारत का, आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री। तो इसमें हम बात करें वित्त मंत्री में, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री ही करता है। और आर्थिक सर्वेक्षण है वित्त मंत्रालय का वार्षिक जो दस्तावेज होता है जिसे केंद्रीय बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय बजट का सहायक दस्तावेज है जो पिछले वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक संसाधनों के आवंटन पर केंद्रित है। यह आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रकट करता है और केंद्रीय बजट के आर्थिक पहलुओं को समझ प्रदान करता है। पहला आर्थिक जो सर्वेक्षण हुआ था 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, 1950-51 प्रस्तुत किया गया था। और बी अनंत नागेश्वरन भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। उन्होंने 31 जनवरी 2022 को संसद में भारत का राष्ट्रपति सर्वेक्षण सुना गया या प्रस्तुत किया गया। श्री परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और श्री सुमन बेगी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं जो कि सितंबर 2022 से तक हैं। उसके बाद में बात करते हैं जैसे कि कुछ कथन दिए गए हैं। तीस्ता नदी है, पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये सही बात है। और नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी गलत बात है। यानी नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, सही है, ये तो दोनों ही सही है, लेकिन दूसरा व्याख्या नहीं है। क्योंकि नदी उपकरण जो है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, इसकी वजह से तीस्ता नदी है, पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की नदी है, ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों सही हैं। अगर हम बात करते हैं तीस्ता नदी क्या है, कहाँ पर बहती है, तीस्ता नदी तो ये पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है
सिक्किम हिमालय में घाटियों और रैपिड्स के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है और यह थंगू, युमथांग और डोनखा पर्वत श्रृंखला में उत्पन्न होने वाली छोटी नदियों द्वारा पोषित होती है। और बांग्लादेश में तीस्ता अपने दक्षिण किनारे पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जहाँ से नदी को यमुना से नाम से जाना जाता है, यानी जो तीस्ता नदी है उसको यमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर यह अंत में पदम नदी में जाकर के मिल जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के उस समय के महासर्वेक्षक मेजर जेम्स रोनाल्ड के द्वारा लिखे और तैयार किए गए पुराने रिकॉर्ड्स और नक्शे से संकेत मिलता है कि तीस्ता बांग्लादेश में पदम के साथ विलय करने के बजाय एक अलग मार्ग लेती है और गंगा में प्रभावित होती है, जैसा कि अब होता है। और क्षेत्र के व्हील ब्लैक जो क्षेत्र के व्हील बैंक हैं, आकार की प्लेट में नव विवर्तन गतिविधियों के कारण नदी का प्रवाह धीरे धीरे पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है। नदी अपहरण हिमालयी नदियों का एक प्रमुख विशेषता है और रिवर कैप्चरिंग मुख्य रूप से नदी की ऊपरी कटाव का कारण होता है, जो अपने पड़ोसी धारा के पानी में शामिल हो जाता है और कब्जा कर लेता है, और हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत आम बात ये मानी जाती है। उसके बारे में बात करते हैं, 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? कारगिल विजय दिवस की 22 जुलाई 2022 में कारगिल विजय दिवस, तो यहाँ पर हम देखें कारगिल विजय दिवस है और 23वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई जा रही है 2022 को। कारगिल विजय दिवस 23वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है और इस दिन 1999 ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का प्रतीक है, और जब उन्होंने कारगिल सेक्टर में उच्च चौकियों से पाकिस्तानी सेना के द्वारा समर्थित घुसपैठ को यहाँ पर खदेड़ दिया था। कब की बात है? 1999 की बात है। और वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को पारंपरिक रूप से हल करने के लिए लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि पाकिस्तान सेना ने जो पाकिस्तान सैनिकों ने ऑपरेशन बक्र के तहत नियंत्रण रेखा LOC के भारतीय हिस्से की ओर घुसपैठ करना शुरू कर दिया और इस उम्मीद में सियाचिन में भारतीय सैनिकों को रास्ता बंद कर दिया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू करने का अपना जवाब दिया और 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने यह युद्ध तब शुरू किया जब उनके पास 5,000 सैनिकों के साथ में कारगिल की चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में ऊंच ऊंचाई पर घुसपैठ की थी और वहां पर कब्जा किया था। जब भारत सरकार को उनकी जानकारी मिली तब भारतीय सेना के द्वारा विश्वासघाती रूप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाले घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उसके बाद में आते हैं, भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं वो है आर वेंकटर मणि। कौन है? आर वेंकटर मणि। आर वेंकटर मणि हैं, ये भारत के महान्यायवादी हैं और भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता और वेंकटरमणी हैं उनकी नियुक्ति हुई है। वेंकटरमणी की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। वेंकटरमणी जुलाई 1973 में तमिलनाडु के बार काउंसलिंग के रूप में एक वकील के रूप में दाखिल हुए थे और 1979 में सर्वोच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी उन्होंने और 1997 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में शामिल किया गया। और भारत के सबसे छोटे अधिवक्ता कार्य किया, हालांकि उन्हें इस पद के लिए 2 बार नियुक्त किया गया था। भारत के पहले न्यायवादी हैं MC शीतलवाड़ा ने अपने पद पर लंबित कार्यक्रम करने के लिए 13 वर्ष तक कार्य किया और सीतारमण की महान्यायवादी है। अगर हम बात करें, भारत के पहले न्यायवादी थे वो थे MC शीतलवाड़ा। उन्होंने अपने पद पर सबसे लंबे कार्य किया है, 13 वर्ष तक कार्य किया था और सोली सोरावजी ने महान्यायवादी के भारत के 15वें महान्यायवादी के रूप में वेणुगोपाल हैं जिन्होंने मुगल रोहतगी की जगह ली है। अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया ने 12 सितंबर 2022 को संजय खन्ना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है।
1985 बैच के भारतीय सेवा अधिकारी नौमे सिंह को थाईलैंड में भारत का अगला अग्रदूत नियुक्त किया गया है। 9 अगस्त 1922 को विक्रम के तो यहाँ पर हम बात करें अगस्त 2022 को विक्रम के दोराई स्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। आईटीबीपी के महानिदेशक और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्ति किया गया था। 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रेरणा कुमार शर्मा को बांग्लादेश के तहत में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। 1994 के आईएफएस अधिकारी प्रणय कुमार शर्मा को बांग्लादेश में भारत का सर्वोच्च उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे जो जिनका हमने डिटेल में एनालिसिस किया, डिटेल में उनके आसपास की जो चीज़ें देखी। तो होप आपको समझ में आया होगा, सुना होगा अच्छे से, कुछ बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।